गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं सतीश सोलंकी। आप है मेरे साथ रोड टू ड्रीम्स। मैं उठ चुका हूं, फ्रेश हो गया हूं बाहर जाने के लिए। तो अभी बस 5 मिनट में निकलते हैं, बाहर चलते हैं। ओके, बस हो गया, रेडी हो गया हूं, बाहर चलते हैं। चलो दोस्तों, अभी आया था मैं पेट्रोल भरने के लिए, पेट्रोल भर लिया ये देखिए, और अभी आगे चलते हैं। अभी कितना हुआ ये देखिए, अभी चलते आगे, पेट्रोल फुल कर लिया है और घूमते हैं मुंबई। हाईवे एकदम क्लियर है, अभी बहुत अच्छा है। मेरे लिए बाइक चलाना बहुत इजी हो जाएगा क्योंकि आज हाईवे एकदम क्लियर है। अभी तक तो क्लीन है, आगे देखते हैं कैसा चल रहा है हाईवे। ये देखिए पूरा एकदम बहुत बढ़िया है, मेट्रो का काम भी अच्छा खासा चल रहा है, मेट्रो भी देखिए। तो दोस्तों, मैं अभी एक्चुअली एक जगह पे पहुंच चुका हूँ। मैं एक्चुअली आज शाम को जा रहा हूँ अपने एक दोस्त के यहाँ पे, दोस्तों ने बुलाया है, तो शाम को फंक्शन है। उस बीच में एक्चुअली दो तीन चीज़ें आ रही थी तो सोचा आपको दिखा दूँ। ये देखें मेरे पीछे, ये अमिताभ बच्चन का बंगला है प्रतीक्षा। ओके, और इसी के पीछे यहाँ पे उनका दूसरा बंगला है जलसा। मैं आपको जलसा भी दिखाता हूँ। अब ये देखिए मेरे पीछे, ये बंगला है। ओके, आगे से फिर और एक व्यू दिखाता हूँ मैं आपको। अभी आपको लेके चलता हूँ जलसा, अमिताभ बच्चन का दूसरा बंगला। तो फ्रेंड्स, मैं हूँ, आई लव मुंबई, ये है मुंबई। ओके, यहाँ से थोड़ा ही चलते चलते हम लोग चलेंगे, आपको लेके चलता हूँ अमिताभ बच्चन जी के बंगले के पास। जो एक्चुअली ये बंगला जो है, इसी में मेन इनका यही बंगला है, यहाँ पे ही रहते हैं वो। और दूसरा बंगला भी वहाँ पे, ज़्यादातर नहीं बट पूरी फैमिली यही बंगले में रहती है। और एवरी संडे, हर संडे वो बाहर आते हैं, सबसे मिलते हैं। ओके, और मतलब मिलना मतलब वेव ऑफ वेव करते हैं सबको। ओके, मेरे पीछे ही है, यहीं पे है बंगला उनका। मैं भी आपको उनका फ्रंट व्यू भी दिखाऊंगा, यहीं पे रहते हैं वो, पूरी फैमिली है। सालों से एवरी संडे यहाँ पे, जब भी इंडिया में रहते हैं तो यहाँ पे आके वो वेव ऑफ करते हैं, सारे फैंस को वेव करते हैं। तो आप कभी भी आए अमिताभ बच्चन जी को देखना है तो ट्राई कीजिए आप संडे आए। ओके, फिर यहाँ से आप जुहू भी जा सकते हैं, हम भी चलेंगे, जुहू भी चलेंगे अभी। तो मैं आपको थोड़ा बंगले का फ्रंट व्यू दिखा देता हूँ कि कैसा दिखता है बंगला। ओके, तो चलिए अमिताभ बच्चन जी के
जलसा के सामने, अंदर तो एंट्री नहीं मिलेगी लेकिन बाहर से देखते हैं जलसा। तो फ्रेंड्स मेरे पीछे आप देखिए, ये है जलसा, ओके, ये है उनका बंगला अमित जी का, ओके, ये देखिए मेरे पीछे है अमित जी का बंगला, ये देखिए आप, अभी आपको आगे से एक व्यू दिखाता हूँ मैं, ये था मेरे पीछे जलसा, आपने देखा होगा, ओके। अंदर तो किसी को अलाउड नहीं है, ज़्यादा किसी को शूट करने देते नहीं है एक्चुअली ड्यू टू कोविड, अभी बाहर भी किसी को खड़ा रहने के लिए देते नहीं उनके बंगले के बाहर, पर थोड़ा सा शूट किया है मैंने दूर से, ओके। उनको पूछा भी था तो उन्होंने बोला कि नज़दीक से आके यहाँ से शूट आप नहीं कर सकते, ओके, तो मैंने थोड़ा दूर से किया था एकदम, ओके। फ़ोटो बच्चन साहब के घर का फ़ोटो लेना है, वीडियो लेना है, बट ठीक है फिर कभी आएंगे लेने के लिए। जलसा से निकल चुके, ये है JW मैरियट होटल, आपने सुना होगा, ओके, मुंबई जुहू का JW मैरियट होटल। ये देखिए दोस्तों JW मैरियट, यहाँ से हम लोग आगे जाएंगे और आएगा जुहू बीच, तो अभी चलिए जुहू बीच में। तो दोस्तों ये हम लोग ऑलमोस्ट आ चुके हैं जुहू बीच, आप देख सकते हैं मेरे राइट में, जैसे ही मैं अभी राइट लूंगा जुहू बीच आ गया, ओके। यहाँ पे रामाड़ा होटल के पास में ही है जुहू बीच, रामाड़ा जुहू, ओके। ये देखिए यहाँ पे आ गए हम लोग, ओके। मैं कहीं पे बाइक पार्क कर देता हूँ, अभी पता नहीं कहाँ कर सकते हैं बाइक पार्क, बट लेट्स सी, मैं आगे देखता हूँ बाइक पार्क करके हम लोग चलते हैं जुहू बीच। आ गए हम लोग जुहू बीच, आप देख सकते हैं, ये देखिए। तो दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं जुहू बीच, ये देखिए जुहू बीच, बहुत पब्लिक है यार। ये मास्क थोड़ा शायद ऊपर मास्क पहनना पड़ेगा। ये देखिए मेरे पीछे कितनी सारी पब्लिक है, ये देखिए। ये देखिए बहुत पब्लिक है, मैं आपको पानी पूरी वगैरह का भी दिखाऊंगा, वहाँ पे भी बहुत सारी पब्लिक बैठी हुई थी, ओके। आप अभी आगे समंदर का नज़ारा देखिए, नाइस ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा लगा, बहुत दिनों बाद इतनी ताज़ी हवा ली है, ओके। आप भी आइए, मास्क वास्क पहन के आइए, पब्लिक हाँ फिर भी बहुत दूर दूर खड़ी है सबसे। ये देखिए सोशल डिस्टेंसिंग तो हो ही रहा है, ओके, सिर्फ फैमिलीज अलग अलग सब खड़े हैं यहाँ पे। मैं भी आगे चलता हूँ, देखता हूँ जुहू बीच। सब लोग बेच भी रहे हैं बहुत कुछ, देख सकते हैं आप। कैप, ग्लासेस, बहुत कुछ खाने पीने की चीजें, बहुत कुछ लोग बेच रहे सब, देखिए पानी पूरी के जॉइंट्स। दोस्तों वेलकम टू जुहू बीच, कैसा लगा जुहू बीच आपको? आई होप जुहू बीच पसंद आया होगा, ओके। यहाँ से अभी निकल के एक और जगह दिखाऊंगा, एक्चुअली जाना नहीं है, बीच में ही आएगा, ओके, तो ऐसे ही मैं दिखा दूंगा बीच में ही बाइक पे से आपको, फिर अपने दोस्त के यहाँ पे चला जाऊंगा मैं, ओके।
तो दोस्तों मैं अभी आ गया हूँ श्री गणेश, यहाँ पे गोला है, ओके, मलाई गोला, मलाई गोला बहुत फेमस है यहाँ पे जुहू बीच में। तो अभी ये देखिए, ये इनका मेन्यू है, ओके। एक मैंने मैंगो मलाई गोला ऑर्डर किया है, ओके, यहाँ पे खाते हैं, बहुत फेमस है कहते हैं यहाँ पे, ओके। तो ये खाते एक और फिर आपको बताता हूँ कैसा है करके यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, ये मेरा मलाई कोला है, मैंगो फ्लेवर है, ओके। ये टेस्ट करके मैं एक और ऑर्डर करने वाला हूँ। इन्होंने बताया कि एक और कुछ तो फेमस है, वो भी मैं ऑर्डर करने वाला हूँ। पहले ये खा के देखता हूँ कैसा है करके। तो फ्रेंड्स, अभी मैंने एक और ऑर्डर किया है जो आप लोग ने बोला था कि मलाई कुल्फ़ी फालूदा। ये देखिए मलाई कुल्फ़ी, मैं आपको ऊपर से भी दिखाता हूँ, ओके, कि कैसा है करके। डिज़ाइन देखिए, बहुत अच्छा है, मलाई कुल्फ़ी है, फालूदा है, रेगुलर फालूदा, ओके। उसके ऊपर मलाई कुल्फ़ी डाला है और ये ऊपर से मैंगो सिरप है और दो तीन सिरप डाला हुआ है। मैं आपको ऊपर से भी पिक्चर दिखाता हूँ। तो दोस्तों, अभी आपने देखा मैंने फालूदा खाया है, ओके। फालूदा खा के बहुत हैवी हो गया, ओके। तो मैं पाव भाजी तो अभी नहीं खाऊंगा, लेकिन आपको दिखाऊंगा पाव भाजी कैसी है यहाँ पे, कितने स्टॉल्स है और लोग क्या लेके बैठते हैं करके, ओके। नहीं नहीं सर, थैंक यू। अभी फालूदा ही खा के बहुत पूरा पेट भर गया है। तो फ्रेंड्स, अभी मैं निकल चुका हूँ जुहू बीच से, आप देख सकते हैं, ओके। मैं निकल गया हूँ, अभी पार्किंग की तरफ जा रहा हूँ, बाइक निकालूंगा और आगे चलता हूँ। ये था आपको जुहू बीच का व्यू, देखा कोविड में और सोशल डिस्टेंसिंग में कैसे चल रहा है, ओके। अभी चलता हूँ अपनी गाड़ी लेके, आगे निकलता हूँ और आई होप आपको जुहू बीच पसंद आया होगा, ओके।